operations. हेलो अरे हेलो बोल बोल मैं बोलूं बोल बोल थोड़ा सा मतलब की या कम यस जाओ लेट्स गो बाकी के लोग कहाँ हैं एक तो नीचे से आ रहा है और दूसरे बाकी बस बाहर ही हमें सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं मैं लेकर आ रहा हूँ और उसके बाद फिर थर्ड फ्लोर ओके तो मैं थर्ड फ्लोर पे सब नहीं सेकंड फ्लोर पे बिकॉज़ फादर से ना वहां अच्छा फोटो भी लिया है नहीं 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 ये इसको इसको हम पॉपुलर करना चाहते हैं वांट मेक श्योर इट गोज एवरीवेयर सिर्फ सम कंपनीज आर फॉलोइंग वी वांट मोर कंपनीज टू फॉलो इट मोर कंपनीज टू फॉलो ज्यादा लोग खुश रहेंगे काम वर्क पे जितने लोग खुश रहेंगे वर्क पे एटलीस्ट जब वो काम घर पे आएंगे तो वो एक स्माइल लेके आएंगे या दे विल बी बेटर विद देयर स्पाउसेस एंड देयर फैमिलीज सो दैट इज द होल आइडिया अ बेटर कल्चर ऑफ वर्क विल रिलेट टू बेटर यू नो lifestyle better human beings and then people will be generally happy the happiness index will go up and it is ye sirf log fayde mein nahi hoenge ye jitni kam agar hum kaam karne ki jagah pe jaake hum kaam kar hi nahi rahe hain hum sirf ye kare ki aaj ka din kaate to at the end kya ho raha hai companies losses mein ja rahi hain suddenly unko pata hi nahi hai ki sab to kaam kar rahe hain hum losses mein kaise hain ki yaar is to fulfill ho rahe hain hum kaise loss mein aa rahe everything har cheez ko hum likh ke nahi keh sakte ki yahi aapka kaam hai yahi hai इंसान जब बियॉन्ड जाता है ना वो अलग बात है तब वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू सडन लॉसेस कम हो जाती है क्योंकि कोई हेड्स अप देगा कोई बताएगा कि ये चीज गलत हो रही है वो भी दिक्कत होती है कि यार सर खड़े रहते हैं हमारे हमारे दुख दर्द में तो मैं भी खड़ा रहूंगा मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा बिकॉज इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद बाहर तो उनको ऐसे ले लेंगे लोग सो लॉट ऑफ द डांसर्स स्टूड बाय मी फिर व्हेन इट केम शक्ति हो पुनीत हो ट्रेंड विद मी बट दे स्टूड बाय मी and when they were time to say udne ka time hai bola ja ud so you need to that and there were some kuch kameene the bhi jo matlab aaye aur chale gaye and I'm like itna training karke tum ek bhi pal hamare sath nahi what there's no value to bahut jata bahut time jata hai inke sath aur ye kuch hai nahi unko banana padta hai unko tameez bhi sikhani padti hai ki kis tarike se baat kiya jata hai kab kyun discipline important hai kyun time pe aana important hai you know सो ये सब सिखाने के बाद जब अपना इतना इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जब निकलते हैं देन दैट इज व्हाई वी रियलाइज कि सिर्फ डांस नहीं सिखाना है उनको वैल्यू सिस्टम भी सिखाना है और हमें भी सीखना है कि हम भी कमीने नहीं हो सकते हैं वी ऑल्सो कि बस हम सिर्फ हमसे मतलब यू नो निचोड़ेंगे और वी विल नॉट गिव वैसा नहीं हो सकता इट हैज टू बी अ टू वे स्ट्रीट सो दैट इज हाउ इट इज और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें जो हमसे पूछा जाता है कि इसको मेजर कैसे करें तो रिसर्च से भी ऑलरेडी देयर आर मेनी स्किल्स बहुत सारे स्किल्स ऑलरेडी हैं इसको मेजर करने के और ये टोटली इसको मेजर करके प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक किया जा सकता है और ये किया गया हुआ है सिर्फ ये है कि पता नहीं है कॉर्पोरेट्स में ये सिर्फ कॉलेजेस में रिसर्च में है कि रह गया है ये पिछले 20 साल से एग्जिस्ट करता है ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा नया निकाला सबसे पहले तो कैरन जी के बारे में स्पीच दी एंड दूसरा सवाल ये कि क्या ये इतनी अच्छी बुक है इसके ऊपर फिल्म भी बननी चाहिए ये सवाल आपसे तो पहले तो ये जो बुक लिखी गई है ये जो बुक लिखी गई है ये जो हम अपने आसपास देखते हैं तो रिसर्चर को क्वेश्चन कैसे मिलता है हाउ योर रिसर्च हैपेंस इज कि हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स में से जो सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम मिलता है उस पर हम रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम ये मिला कि जो हमारा वर्क प्लेस है वेयर द पीपल आर वर्किंग the way they are being treated and the way they are treating the organization both is not right and it has started wo chalu hua hai from how the organizations ne logon ko treat kiya hai ab is wajah se kya ho raha hai the companies are going into losses companies losses mein ja rahe hain employees kyunki khush nahi hain unko alag tarah ke distress ho rahe hain they are suffering from alag tarah ke mental disorders also because workplace mein itna stress aur pressure hai एंड ये सब जो है ये आखिरी में जाके हमारे सोसाइटी पे आता है हमारी पूरी सोसाइटी सफर कर रही है तो इस सब का सोल्यूशन क्या है हमारे पास इतने सारे HR प्रिंसिपल्स हैं प्रोसेसेस इन प्लेस हैं जो हम ऑन पेपर एंड एक्चुअली फॉलो भी करते हैं तो वो एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं
तो हमें हमारे मैनेजमेंट जो डोमेन है उसको वी नीड टू गिव, हमें कुछ देना है विच इज़ मोर इम्प्लीमेंटेबल, विच इज़ रिलेवेंट टू द करंट टाइम्स, करंट टाइम्स के हिसाब से जो किया जा सकता है, जो ज़रूरी है. तो उससे हम रिसर्च में आए एंड इन द रिसर्च फिर हमें जो प्रिंसिपल्स की सर ने एक्सप्लेन किया, हमें वो प्रिंसिपल्स पता चले कि इन प्रिंसिपल्स पर अगर कंपनी चलेगी और एम्प्लॉयज़ भी चलेंगे देन इट विल बी अ बेटर प्लेस टू वर्क. सिर्फ डॉक्टर अंशुल ने बहुत सही फरमाया है, ये उनकी किताब है और मैंने इस किताब को पढ़ी भी थी और कुछ महीने पहले इसको हमने लॉन्च भी किया था और इसके बाद आज हम ये ये हम प्रचार करना चाहते हैं इसके बारे में कि ये जो वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन क्या हुआ है कि हर दौर में उसके मायने या उसके रूल्स बदलते रहते हैं बिकॉज जो जनरेशन चेंजेस एंड दैट इज़ वाई उनका जो रिसर्च है वो मोस्ट रेलिवेंट है बिकॉज वो रीसेंट है और उन्होंने देखा कि बहुत सारे तनाव और टॉक्सिसिटी है वर्क प्लेस में क्योंकि कोविड आया, उसमें अट्रिशन रेट बहुत ऊपर चला गया, लेऑफ्स कितने हो गए, तो एक ट्रस्ट की इश्यू बन चुकी है. आज एम्प्लॉई भी बोलता है कि यार मैं 2 साल कम करूँगा निकल जाऊँगा. एवरीबडी इज़ बिकम वेरी मतलबी. सो एंड इट इज़ ओके, इन सम लेवल्स हम सेल्फिश होते ही हैं, बट कैसे हम एक दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो दिल से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने कुछ सही चीज़ें कहीं करी है. तो शी हैज सीन बोथ, एक कल्चर जहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और एक कल्चर जहाँ पे उन पर भी प्रेशर्स पड़े थे, उन वो भी प्रॉफिटेबल है, वो भी बड़े कंपनीज हैं लेकिन उनका तरीका अलग था और आज वो बहुत लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज़ दिल देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है काम करने, और वहाँ पर भी मुठभेड़ होता है, वहाँ पर भी डिस्कशन होते हैं, वहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो रहा है क्योंकि ऊपर से आदेश है, सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ नहीं है, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है. तो इस बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वो कहना चाह रही हैं कि मीनिंग टू लाइफ क्या है. जो आप काम पर जा रहे हैं 10 घंटा दे रहे हैं, आपकी सबसे जब आप उठते हो आंखें खुली होती हैं, वो आपके पास 16 घंटा या 18 घंटा होंगे कि 8 घंटे आप सोते हो तो आप डेड टू द वर्ल्ड हो, लेकिन जब आप उठ जाते हो तो वो 8 या 10 घंटा उसमें से आप काम को दे रहे हो और ये सालों दर साल तक एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तो आप काम करोगे. तो अगर वहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है, पर्पस नहीं मिल रहा है और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, दिस इज सैड. अगर आप बहुत गरीब हो सो देन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप वही काम करोगे जिसमें पैसा मिल रहा है. नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. एक लेवल ऑफ पीपल वो भी है जो जिनके पास काम है, ऑप्शंस है, बट दे वांट टू फाइंड लिटिल बिट मोर मीनिंग इन लाइफ. तो ये उन लोगों के लिए है, इट्स नॉट फॉर पीपल हु आर ऑन सर्वाइवल मोड. तो ये पहले ही बोल देता हूँ कि अरे आप इतना भाषण दे रहे हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नहीं, आई मीन उन लोगों के लिए नहीं है बिकॉज दैट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ दैट दे आर लिविंग. दैट्स वाज रियली सैड एंड दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु फील कि अच्छा मेरे पास ऑप्शन है ना, हाउ डू आई फाइंड मीनिंग इन लाइफ, वैल्यू सिस्टम्स क्या आपके और कंपनी के मिलते जुलते हैं कि नहीं. थर्ड, इंटरकनेक्टेडनेस, डिपेंडेबिलिटी, क्या आप दूसरों पर ट्रस्ट कर सकते हो एंड हाउ डू यू काइंड ऑफ मेक अ टीम वर्क टुगेदर. तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें किताब में भी हैं और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए फ्रॉम 3 लेवल्स. एक एम्प्लॉय भी, उसका भी एक कहीं ना कहीं उसका ईमान होना चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉयर पर नहीं होना चाहिए. तो मैनी टाइम्स ये जो ईमान, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हमें घर में मिलते हैं अपने परिवार वालों से. एंड एट द आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इट्स द एजुकेशन सिस्टम विच इज़ अ कॉलेजेस वेयर यू लर्न सर्टन थिंग्स एंड देन इट्स योर वर्क कल्चर. सो थ्रू आउट योर लाइफ यू आर गेटिंग सर्टन वैल्यू सिस्टम्स विथ योर एक्सपीरियंसेस. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलेजेस पे, ऑल्सो एट द वर्क प्लेस एंड ऑल्सो गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट दिस स्पिरिचुअलिटी प्रोसेस बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. एंड लास्ट है, जैसा कि फिल्म एक बहुत ही ईजी माध्यम होता है इन सारी बातों को लोगों तक पहुँचाने में, तो क्या फिल्म बननी चाहिए? एक फिल्म बनी थी मधुर भंडारी की, कॉर्पोरेट. हाँ, तो कॉर्पोरेट कल्चर कैसे चलता है, फायर एंड हायर एंड फायर, तो वो एक वो भी दिखाया था द डार्क बेली ऑफ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड ऑल्सो द सेम टाइम यू नो देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक फिल्म बननी चाहिए जहाँ पे कई लोगों ने अपनी जान दे दी है. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, ताज पे टेररिस्ट अटैक हुए थे, करेक्ट, 26 जनवरी, और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने गेस्ट को प्रोटेक्ट किया अपने जान डाक लगाकर. ये क्यों करते हैं अगर उनको कोई लगाव ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ?
because I know I've worked in the hotel industry. I'm a hotel management student. I've done my inductions. So I can tell you that the Taj ka jo Tata Group ka jo, you know, main jo upar se aata hai na, they're very, very employed motivated. They employees ko bahut matlab wahan par bhi jhagde hote hain, behas hoti hai, but unka conflict management tagda hai. They're very pro employee. They will stand by the employee. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आपके घर में एंड दैट पर्सन इज वर्किंग दे विल टेक केयर ऑफ द एंटायर मेडिकल एक्सपेंसेस पर ऐसा आदमी ना जब आपके माँ बाप कभी यू नो प्रॉब्लम से जाते हैं एंड मेडिकल बिल्स एक गरीब इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई वर्किंग टाइम ऑल्सो देर वॉज एक बंदा हाउस कीपिंग में था और उनको इसकी कैंसर हुआ था मम्मी का पूरा खर्चा वॉज टेकन ओवर इमीजिएटली ना कुछ बोले Just a report, my mom has got cancer, finished. From the hotel, medical expenses, sab kuch. Usko leave bhi diya gaya tha ki, achha, kuch din ke liye wo nahi aa payenge. Ye insaan, jab uska waqt aayega kuch dene ke liye, kya wo apni jaan nahi dega? So this is the kind of things that, you know, she's talking about. That andar se wo bhavna aani chahiye. It has to be work both ways. So when corporate culture works, not just on profitability, but also on, you know, humanity, तो एक वर्क कल्चर अलग होता है एक जज्बा आता है कि मैं काम पे जाऊंगा मुझे करना है काम चाहे वो सबसे छोटा काम हो खाली बेड्स तैयार करने या क्लीनिंग करना हो हाउसकीपिंग का एक डिपार्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट लेवल दे आर क्लीनिंग टॉयलेट्स दे आर मेकिंग द बेड्स इट्स द सेम थिंग एवरी डे बट वो दिल से कर रहे हैं खुश है छोटी चीज है खाने में अगर जाओगे ना उनके केटरिंग में भी इज इक्वल फॉर एवरीबडी भेदभाव नहीं है कि ऑफिसर्स वो खाएंगे आई वॉज स्टूडेंट दैट टाइम सेम फूड फॉर एवरीबडी So it's a feeling ki yaar ye bhedbhav nahi ho raha hai. So that is the kind of, you know, kind of organizations that, you know, we're looking at. I'm just giving you an example. Aise bahut saare hain. So this is something that, you know, Dr. Anshul is talking about. When we, jab hum ye sab implement karte hain aur insaan apna full 100% de raha hai kaam pe, usse kya hota hai ki the uniqueness, har insaan alag alag hai. Now Harry is different, sir is different, I am different, you are different. आपके जो क्वालिटीज़ हैं वो 100% बाहर आते हैं तो अगर इफ़ देर आर 100 पीपल वर्किंग वो 100 के 100 अगर अपना 100% दे रहे हैं तो कितना सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव यूनिक एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है जो दूसरे कंपनी के पास नहीं है बिकॉज आप नहीं हो उस दूसरी कंपनी में और अट्रिशन रेट काफ़ी हाई है बहुत हाई है अट्रिशन मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं या ले ऑफ्स हो रहे हैं सो हाउ एंड यू नो वॉट कंपनी को ना आगे जैसे मेरे कंपनी में डांसर्स को ट्रेन करना जो कच्चे हैं और उसको पक्का बनाना और फिर अगर वो छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है दैट इज़ वाई वेन वी आर ट्रेनिंग दैम वी ऑल्सो इनकल्केट वैल्यू सिस्टम्स कि एज अ वैल्यू सिस्टम मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा फिर वो कैसे फिर उनको